के शामिल, ऐसा लगता है कि मी ए वन को देखने के बाद, रेडमी वाई वन को देखने के बाद, रेडमी फाइव ए को देखने के बाद, कि अपनी हाल जो उन्होंने बनाया था, नोट थ्री, रेडमी थ्री एस, रेडमी नोट फोर, जो उन्होंने एक ग्राफ बनाया था, वो ऐसा भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। मी ए वन तो कम्प्लीट फेल्योर है, कोई माने ना माने, क्योंकि जिस तरह का हार्डवेयर उन्होंने चाइना में यूज़ किया, बस उसी फ़ोन को 5X को यहाँ पे कर दिया रेडमी ए वन, और लॉन्च कर दिया इंडिया में, देखा नहीं कि इशू आ रहा है, क्या हो रहा है, और लॉन्च कर दिया। और लोग अभी मानने को तैयार नहीं कि उनके फ़ोन में इशू है, क्योंकि उनको अभी वो कमी नहीं लेनी है। पता नहीं उनको ऐसा क्यों फील होता है वो, हालांकि उनकी मर्जी है। बट आप ऐसे बेवकूफ़ मत बनिए, जब अगर फ़ोन आपको किसी और कंपनी का इतने अच्छे प्राइस रेंज में मिल रहा है, तो किसी कंपनी की अगर मोनोपोली है तो वो तोड़ने में मदद कीजिए। एक ज़माना था जब मार्केट में नोकिया की मोनोपोली थी, वो सैमसंग ने तोड़ दी, फिर सैमसंग की मोनोपोली बनी, फिर वो इंडियन कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, जोलो, इन कंपनियों ने तोड़ दी, फिर इनकी मोनोपोली शाओमी ने तोड़ दी, फिर उस शाओमी की मोनोपोली लेनोवो, इन्होंने मोटरोला, इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे जैसे शाओमी मार्केट में ज़्यादा फ़ोन्स बेच रहा है, अपने आप को इंडिया का नंबर वन ब्रांड बता रहा है सेल के, एटलीस्ट सर्विस के बारे में वो नहीं बता रहा है, सैमसंग को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, ये भी बात वो बोल रहे हैं। तो आप इतना ही समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको शाओमी की अगर मोनोपोली मार्केट से तोड़नी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लेटली शाओमी कस्टमर्स को ग्रांटेड ले रहा है, जो सैमसंग करता था, जो सैमसंग अभी कर रहा है। आप ऑन सेवन उसका फ़ोन देखिए, मेरे ख्याल से 2015 के एंड में एक फ़ोन लॉन्च किया था उन्होंने सैमसंग का, ऑन एनएक्स किया, ऑन एट में, उसमें एक्सिनोस 7870 प्रोसेसर था, इस फ़ोन में वही प्रोसेसर है, और आपको 2-2.5 साल पुराना फ़ोन बस नया कवर करके चिपका रहे हैं ये लोग, वो भी 13,000-15,000 की प्राइस। इस वीडियो में इतना ही, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।